नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है बिगिनेली रिएक्शन। इसके अंदर बीटा कीटोएस्टर एराइल एल्डिहाइड और यूरिया मिलके पाइरिमिडोन्स की फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल ये हमारा कोई भी एराइल एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, बेंजोल्डिहाइड हम लेके चल रहे हैं, ये आपका बीटा कीटोएस्टर और ये आपका यूरिया। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? लैविस एसिड के प्रेजेंस में या ब्रोंस्टेड एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई और आपस में ये तीनों कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? पाइरिमिडोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट जो बीटा कीटोएस्टर है वो हम लेके चलेंगे, डबल वन ओ, डबल वन ओ, ओ सी टू एच फाइव, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका प्रोटोनेशन होगा, जो भी आपका लेविस एसिड है इसे प्रोटोनेट करवाएगा। कौन से ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करवाएगा? इसको भी करवा सकता है, इसको भी और इसको, लेकिन ये कौन से वाले को कराएगा? इस वाले को प्रोटोनेट कराएगा क्योंकि ये इनोलाइजेबल है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, डबल वन ओ, ओ सी टू एच फाइव और यहाँ पे ओ एच पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, इसका इनोलाइजेशन होगा। इनोलाइजेशन किस तरीके से होगा? यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, ये आपके इधर और ये इधर, तो जो रिएक्शन हुई क्या हुई है? इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन होने के से क्या बनेगा हमारे पास? ओ सी टू एच फाइव, यहाँ पे डबल बोन और इधर आपका ओ एच बोन। उसके बाद इसमें क्या होगा, जो आपका ग्रुप था ये तो बीटा कीटोएस्टर, अब एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप था वो लिखते हैं उसके पास, तो लेके चल रहे हैं पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये एच यहाँ और ये इसके ऊपर बॉन्ड आगे शिफ्ट, तो जो ये रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन होगी, मतलब यहाँ पे एडिशन हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन होती है, वोटर निकाल देते तो कंडेंस माना जाता है। अभी क्या है ना, एल्डोल एडिशन रिएक्शन में एक तरीके से। तो यहाँ क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ सी टू एच फाइव ग्रुप और इससे ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा, जिससे एक फिनाइल रिंग अटैच है और दूसरी साइड क्या आ गया यहाँ पे ओ एच, इतनी फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद इसका फर्दर फिर से प्रोटोनेशन करवाओ, अब प्रोटोनेशन इस वाले ग्रुप का होगा, तो एच पॉजिटिव डालोगे क्या होगा, पी एच और ये एच एच पॉजिटिव, ठीक है। आगे इतनी बात समझ, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, सॉरी, तो इस पोजीशन से जो हाइड्रोजन था वो तो आपका इधर और आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? पी एच ग्रुप आपका और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या होना आएगा? अमोनिया। अमोनिया में कैसे होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एन एच टू। नाइट्रोजन के पास अब यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे, तो ये इधर आपका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ, क्या प्रोडक्ट बनेगा आगे लिख लो मैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड ओ, ओ सी टू एच फाइव एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ओ एच के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक साइड आपकी फिनाइल रिंग अटैच थी, दूसरी साइड आपका क्या आ गया? अमोनिया एन एच और इसके साथ इस नाइट्रोजन के साथ क्या है? एक आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अटैच है और दूसरा आपका एन एच टू ग्रुप अटैच है। आगे की बात समझ, यहाँ से क्या होगा? कीटो इनोड प्रोटोमेरिज्म। अब ये देखो इनोड ओल्ड फॉर्म है तो इसको आप कीटो फॉर्म में ईजिली लिख सकते हो, तो
इसको लिखो केटो फॉर्म में, डबल बॉन्ड O, बाकी पूरा एज इट इज रहने दो। ये पी एच यहाँ से क्या जुड़ा आपको, सी डबल बॉन्ड O, ओ सी टू एच फाइव ग्रुप, यहाँ नाइट्रोजन, इससे क्या जुड़े आपका ये H, इधर लिखो सी डबल बॉन्ड O एन एच। अब फिर से क्या होगा, आपके जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड आपको ऊपर शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्या बनेगा, अब यहाँ पे एज इट इज पी एच, यहाँ पे क्या जुड़े हैं आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी टू एच फाइव, ये ऊपर ओ एच आ गया, ये नाइट्रोजन एच थी, यहाँ पे आपका फिर से एक कार्बन जिसके साथ क्या जुड़ रहा है डबल बॉन्ड ओ, और ये कार्बन नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ गया ये वाला, तो एन एच एन एच टू है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन या डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो एन एच की फॉर्मेशन हो जाएगी। हो गई इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, और एक मिथाइल ग्रुप और रह गया ना जहाँ पे ये था आपका सी ओ एच, यहाँ पे ये आपको मिथाइल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन आपका इधर और ओ एच आपका बाहर, क्या बनेगा, इस रिंग को थोड़ा इस तरीके से लिखो ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में ये वाला कार्बन है जिसके साथ क्या जुड़ा है डबल बॉन्ड ओ। अब जो नाइट्रोजन है इसके साथ क्या जुड़ी है आपकी, ये फिनाइल रिंग अटैच है, उससे नेक्स्ट ये कार्बन और इसके साथ डबल बॉन्ड ओ, ओ सी टू एच फाइव ग्रुप, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यही क्या होता है आपका पाइरिमिडोन। तो पाइरिमिडोन ग्रुप की यहाँ पे सिंथेसिस हो जाती है। आगे इतनी बात समझ, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस। सिंथेटिक एप्लीकेशन में जो फर्स्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन है इसकी वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ रेसिमिक मोनोस्ट्रोन। तो जो इथाइल एसिटो एसिटेट है थायो यूरिया और साथ में मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपस में बिगनेले रिएक्शन करवाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक कैटेलिस्ट ऑफ ड्यूटेरबियम और क्या बनता है हमारे पास मोनोस्ट्रोल की फॉर्मेशन होती है। जो मोनोस्ट्रोल होता है वो हमारा एक प्रोटोटाइप एंटी कैंसर ड्रग है जो इनहिबिट करता है मिटोटिक काइनेसिन को इनहिबिट करता है। तो ये आपका इथाइल एसिड एसिटेट मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और आपका यूरिया आपस में बिगनेले रिएक्शन करा के किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मोनोस्टेरोल की फॉर्मेशन करते हैं, ये आपका होता है मोनोस्टेरोल। उसके बाद नेक्स्ट सिंथेटिक एप्लीकेशन इसकी सिंथेसिस ऑफ 13, 14, 15 आइसोट्रम्बोसिटिन 800। तो ये रिएक्शन हमारी एल ई और मैन ने दी थी, और किसके लिए काम आती है, सिंथेसिस ऑफ गुआनिडिन एल्कलॉइड, जो 13, 14, 15 आइसोट्रम्बोसिटिन 800 इसके लैम्डा मैक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक ऑप्टिकली एक्टिव गुआनिडिन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है बीटा कीटो एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईफ्लोरो मिथेनोइक एसिटिक एसिड, और क्या मिलता है आपको 1 इमिनो हेक्सा हाइड्रोपायरोलो 1-2-C पिरामिडिन कार्बोक्सिलिक एस्टर की फॉर्मेशन होती है, जो फर्दर क्या देता है हमें, जो हमें कंपाउंड चाहिए। तो रिएक्शन ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ये आपका इसकी सिंथेसिस करवानी है, ये आपका एनिमिन ग्वानिडिन है, इसकी रिएक्शन करवाई यहाँ पे इसके साथ, और किसकी फॉर्मेशन हुई है हमारे पास 7:1 एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है 1-aminohexa hydropyrrolo pyrimidine carboxylic ester की, जो फिर क्या देता है हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ बेटजेलेटाइन एफ, ये भी क्या है आपकी एक ड्रग ही है, तो इसके अंदर भी रिएक्शन इसी तरीके से होते हैं। तो सिंथेसाइज करने के रिएक्शन देखो,
ये आप स्टार्टिंग मटेरियल लेके चलते हो उसके इसके साथ इसके तीन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लोरो इथेनॉल के साथ, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं। फिर इसके क्या रिएक्शन करवाई जाती है CnCl3 के साथ, तो जो आपके ट्राइफ्लोरो एसिटेट है उनको किससे एक्सचेंज करवाया जाता है, BF4- से एक्सचेंज किया जाता है, और फिर जो फाइनली रिंग है उसको क्लोज करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल को उसके कोरस्पॉन्डिंग मेस्टाइट के अंदर कन्वर्ट करके, और फाइनल स्टेप में कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन करवाया जाता है और हमें बेट जेलाडाइन एफ की फॉर्मेशन या इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं।